2013 से 2018 तक 40 गैर मुल्की दौरे किए। शहबाज शरीफ ने तमाम अखराजात ज़ाती तौर पर अदा किए। पंजाब असेंबली में शहबाज शरीफ के गैर मुल्की दौरों से मुतालिक रिपोर्ट पंजाब असेंबली में जमा। पंजाब असेंबली का इजलास हसब मामूल ताखीर का शिकार। अराकीन को बुलाने के लिए घंटियाँ बजाई जाने लगी। शहर में वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी। आसमान पर घने बादलों के डेरे। बाघों के शहर ने सर्दी की चादर ओढ़ ली। दर्जा हरारत 5 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिर गया। तेज हवाओं का राज। बारिश के बायस पनाहगाही करीबी इमारतों में शिफ्ट। ठोकर न्याज बेग पर आरजी पनाहगाह महकमा ज़राअत की इमारत में मुंतकिल। फ्रूट मंडी आरजी पनाहगाह को एडमिनिस्ट्रेटियल हॉल लारी अड्डा में मुंतकिल कर दिया गया। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के एजाज में अलविदाई तकरीब आज होगी। लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के जेर एहतमाम तकरीब शाम 7 बजे जजेस लॉन में होगी। चीफ जस्टिस मियां साकिब निसार 17 जनवरी को रिटायर हो जाएंगे। शहरियों के लिए अच्छी खबर। आज से सीएनजी की फराहमी शुरू। सीएनजी स्टेशन खुल गए। पाइपलाइन की मुरम्मत के बाद पावर सेक्टर और फर्टिलाइजर को गैस की सप्लाई बहाल। हुसैन चौक और टोकेवाला चौक में मिनी पेट्रोल पंप्स के खिलाफ ऑपरेशन। दुकानें सील। सिविल डिफेंस की टीम ने पेट्रोल की मशीनों को भी जब्त कर लिया। पीआईए इंतजामिया के नित नए फैसले। शोभा फ्लाइट सर्विसेज में काम करने वाले मियां बीवी एक साथ ड्यूटी नहीं कर सकेंगे। फ्लाइट स्टेवर्ड्स और एयर होस्टेस एक साथ एक ही रूट की फ्लाइट ऑपरेट नहीं कर सकेंगे। और फुटबॉल के आलमी सितारे। लाहौर में फुटबॉलर लुइस फेगो और रिकार्डो काका की पैकेजेस मॉल में आमद। शौकीन फुटबॉल की आलमी खिलाड़ियों के साथ सेल्फियां बनाते रहे।